मैं राकेश सेन, निवासी डिकेन, तहसील जावा, जिला नीमच। मैं प्रभु श्री राम की कार सेवा में 1990 में 30 अक्टूबर की जो कार सेवा अयोध्या के लिए प्रस्थान हुई थी, उसमें डिकेन के हम 16 कार सेवक अयोध्या जाने के लिए निकले। डिकेन से जैसे ही हम बस स्टैंड पर एकत्रित होकर जाने लगे और पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार कर जावत पेश किया गया, वहाँ से मंदसौर जेल में हमें बंद कर दिया गया। 8 दिन तक मंदसौर में डिकेन के 16 कार सेवक बंद रहे। दूसरे दिन हमारे कैलाशजी चावला के नेतृत्व में मंदसौर के कार सेवक हमारे साथ बंद रहे और 8 दिन हम बंद रहने के बाद हमें नहीं जाने दिया। उसके बाद 1992 6 दिसंबर की कार सेवा में भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें भी डिकेन से मात्र 2 कार सेवक सफल रूप से पहुँचे। तुलीचंद जी जैन जावत क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पूरे विधानसभा के सभी कार सेवकों को सिंगोली शिशु मंदिर पर एकत्रित हुए सब। दूसरे दिन वहाँ सवेरे जुलूस निकाल कर हमें विदा किया गया। तुलीचंद जी के नेतृत्व में सभी कार सेवक, हम जावत के निवास जी तड़बा के नेतृत्व में 7-8 कार सेवक थे। इस तरह हम कोटा कार सेवकों के साथ में शामिल हो गए। तो कोटा कार सेवकों के साथ तुलीचंद जी और अन्य कार सेवकों की पहुंचाने की व्यवस्था में लग गए थे और हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कोटा से गए। रास्ते में कानपुर लखनऊ होते हुए फैजाबाद अयोध्या पहुँचे। लास्ट अंतिम ट्रेन हमारी थी जो अंत में अयोध्या पहुँची, उसके बाद सभी को रोक दी गई थी ट्रेनें। उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या डीकेएन के बद्रीलाल जी पाटीदार और हम पहुँच गए थे 5 दिसंबर 1992 को, और वहीं दुलीचंद जी पुनः अन्य कार सेवकों के साथ अयोध्या भी आ गए थे। गोपाल मंदिर में हमारी व्यवस्था थी और दूसरे दिन सवेरे हम सब कार सेवक प्रभु श्री राम के वहाँ पहुँचे। सभा स्थल पर अडवाणी जी, राजमाता जी, रितुम्बरा, उमा भारती, इन मुरली मनोहर जी जोशी, अशोक जी सियाल के द्वारा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। 12:15 के करीब सभा चल रही थी और अचानक कार सेवक कोई बाबरी ढांचे के ऊपर पहुंचकर भगमा लहरा दिया। भगमा लहराने के बाद उपस्थित कार सेवकों में जोश और उत्साह बढ़ गया। उसके बाद मंच से बार बार घोषणाएं हो रही थी, अनुशासन बनाए रखे और व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन कार सेवकों का उत्साह इतना था कि देखते ही देखते, और मंच से बार बार घोषणा हो रही थी उसके बावजूद कार सेवक नहीं माने, और देखते ही देखते हमारी नज़रों के सामने बाबरी ढांचा गिर गया। बाबरी ढांचा गिरने के बाद घंटे भर बाद अरफा तस्बी मच गई और वहाँ ऐसा मंजर था देखा हमने, लेकिन वहाँ हम सबको खुशी इस बात की थी कि बाबरी ढांचा आज ढह गया। और 2 घंटे के बाद पुलिस द्वारा हमें सभी को जो जहाँ थे वहाँ से हमको सबको अपने अपने स्थान से निकलने के लिए आदेशित किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी हमें कर ट्रेनें लगी हुई थी अयोध्या स्टेशन पे, तो वहाँ से हम सब वापस अपने घर के लिए निकले और पुलिस द्वारा हमें कोटा तक लाया गया। कोटा से सिंगोली थाने से रतनगढ़ थाने होते हुए डीकेएन पुलिस द्वारा हमारे पिताजी के पास हमें सकुशल कार सेवा संपन्न हुई तो डीकेएन में, और रास्ते भर में भी कोटा में सब जगह हमारा स्वागत किया गया। कार सेवा के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मेरी आंखों से राम मंदिर देखता हुआ, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की देखते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, साथ ही मैं इस बात के लिए भी गर्व महसूस करता हूँ कि मध्य प्रदेश के सभी कार सेवकों में सबसे कम उम्र का छोटा कार सफल कार सेवक, 2-2 बार मैंने प्रभु श्री राम के कार सेवा के लिए जेल में भी कार सेवा में रहा हूँ और प्रभु श्री राम के लिए रेल में अयोध्या भी पहुंचा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं बहुत कम उम्र में भी कि दोनों की सफल कार सेवा में मैं कार सेवक के रूप में रहा हूं। कार सेवा के लिए तब जब 1992 में भी
ये चला था कि मत भेजो, और हमारे पिताजी को लोगों ने द्वारा कहा गया कि मत भेजो इसको, तो मेरे पिताजी की प्रेरणा से उनने और मुझे 200 रुपये दिए और कहा कि नहीं हमारे 4 पुत्र राम जी के काज के लिए ले जाओ इसे। तो बद्रीलाल जी के साथ में वहाँ दूली चंद जी के नेतृत्व में कार सेवा में पहुँचा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज बहुत इतना जो शब्दों में मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, और ढांचा गिरा वो मेरी नज़रों के सामने उसकी भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और वो 5 दिसंबर 1992 की महाकाली रात जब अयोध्या में थे, लेकिन चारों ओर डर था और पूरी रात नींद भी नहीं आई थी हमें, लेकिन दूसरे दिन जब वो बाबरी ढांचा दहा तो उस बात की मुझे खुशी हुई, और हमें कार सेवा का हम सफल कार सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे छोटा सफल कार सेवक के रूप में मैं ये हुआ, जिसके लिए मुझे सर्वप्रथम महामंडलेश्वर 1008 रामदयाल जी महाराज द्वारा जावद में सम्मान किया गया, नीमच में भी किया गया। ऐसे अनेक नेताओं एवं बहुत से समाजसेवियों, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक लोगों ने बहुत बार कार सेवा के लिए हमारा जगह जगह सम्मान किया। इसके लिए मैं प्रभु श्री राम का एक आशीर्वाद मानता हूँ, मैं कम उम्र में भी प्रभु राम जी की कार सेवा में सफल रूप से मैंने कार सेवा की, और आज मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ एवं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राम जी का, प्रभु श्री राम जी का मंदिर अपनी आंखों से देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मैंने कार सेवा दोनों ही बार सफल की। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।